अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू जो है वो हमारे नए आने वाले कोर्सेज़ के हवाले से है। अदारा रहनुमाई अमलियात अरसा दराज से वालिद मोहतरम खालिद इसहाक़ राठौर की सरपरस्ती में उलूमे मुफ़्ती के तमाम शोबों की तरवीज व इशाअत का काम कर रहा है। और ये कहना गलत ना होगा कि जितना काम वालिद मोहतरम ने इस शोबे में किया है शायद ही किसी ने और नहीं किया हो, क्योंकि अमूमन आमतौर पर देखा जाता है कि कोई शख्स अगर उलूमे मुफ़्ती में किसी शोबे में तालीम दे रहा है तो वो किसी ख़ास स्पेसिफ़िक उसकी शाख की तालीम दे रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई नजूम सिखा रहा है तो वो सिर्फ नजूम सिखा रहा होगा, अगर कोई अमलियात सिखा रहा है तो वो सिर्फ अमलियात सिखा रहा होगा। लेकिन अदारा रहनुमाई अमलियात पाकिस्तान का इस वक्त वाहिद अदारा है जो उलूम मुफ़्ती से मुतल्लिक़ तमाम उलूम जो है वो सिखा रहा है। इसमें अदाद, रमल, हरूफ, नजूम, पमिस्ट्री, अदाद सब कुछ शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझाता जाऊँ आपको कि बेसिकली ये सात तमाम उलूम जो हैं आपस में इंटरलिंक हैं और ये एक ही दरख्त की तमाम शाखें हैं। और अगर आप इन तमाम में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आप भी ये दारा रहनुमाई अमलियात से मुंसलिक हो सकते हैं। जैसे कि आप अगर अमलियात की फील्ड में जाते हैं तो आपको उसमें नजूम की भी खातर ख्वाह समझ वो ज़रूरी है कि आया कि आपने ये नक्श या तवीज़ जो है वो कब लिखना है और किस तरह इसके मौसरियत में जो है आप इसका इजाफ़ा कर सकते हैं। तो इसी तरह हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि ये एक ही दरख्त की तमाम शाखें हैं जो मुख्तलिफ सिमतों में फैली हुई हैं। लेकिन होता यूँ है कि आमतौर पर जो शख्स नजूम सिखा रहा होता है वो सिर्फ नजूम ही सिखाता है, वो बाकी शोबों में तलीम नहीं दे रहा होता। लेकिन वही बात है कि हमारा अदारा वाहिद अदारा पाकिस्तान का जो तमाम शोबों की तलीम दे रहा है। उलूम मुफ़्ती की एक अहम शाख इल्म अमलियात है और इसी हवाले से इल्म अमलियात का जो नया सेशन है हमारा वो इंशाल्लाह ताला 10 शवाल से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप भी इसमें दाखिला लेना चाहते हैं और इल्म अमलियात में महारत हासिल करना चाहते हैं तो 25 रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले आप भी इसमें अपना इंदराज करवा सकते हैं। इल्म अमलियात की असल को सिखाने के लिए और इसको फ़रोग देने के लिए वालिद मोहतरम अरसा दराज से जो है लाहौर के गिरदो नवा के मुख्तलिफ मदारस में फ्री तलीम देते रहे हैं। इसके अलावा भी जो दरस नज़ामी के या उलमा हज़रात होते हैं उनको दारा मुफ्त या रियायती कोर्सेज़ करवाता रहा है। गोल कोरोना के बाइस जो है ये तलीम का सिलसिला थोड़ा रुक गया था, लेकिन अब कोरोना के बाद जो है ये दोबारा से हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। कोरोना से पहले पहले जो था हमारे मुख्तलिफ कोर्सेज़ जो थे वो बिलतरतीब चल रहे थे, लेकिन कोरोना के बाद जो है अब हमारा नया सेशन जो है वो इंशाल्लाह ताला 10 शवाल से शुरू हो रहा है। अब अगर बात करें कि इल्म अमलियात के कोर्स में क्या कुछ सिखाया जाएगा तो वो आप अपनी स्क्रीन पर मुसलसल जो है वो देख रहे होंगे कि इसमें हमारी मुकम्मल कोर्स आउटलाइन जो है वो दी हुई है। इसमें ये बताता जाऊँ कि हमारा कोर्स का तरीक़ेकार जो है वो दूसरे लोगों की तरह नहीं होता, कि हमें कोई ये शौक़ नहीं है कि हम 10 10 साल जो है आपसे जो है वो खिदमत करवाएं और फिर भी जो है वो आपको कुछ ना सिखाएं या कुछ भी ना है करें। हमें जो है वो आपसे खिदमत करवाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम जो है वो तलीम को जो है नेक नीयती से जो है वो आम करना है और इसी वाले से जो है ये हमारा कोर्स करवाए जाते हैं। इस कोर्स की मुद्दत जो है वो 6 माह है और इस 6 माह में जो है वो आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाएंगी जो आपकी ये स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। मुख्तसर से अगर आपको समझाता जाऊँ तो इसमें हम आपको इल्म अमलियात की बुनियादी चीज़ें भी सिखाएंगे, नूरी नारी में क्या फ़र्क है वो भी सिखाया जाएगा, नकूश कैसे लिखे जाते हैं, कैसे होते हैं, इनकी बेसिक आपको सारी समझाई जाएगी। और अगर आपने कोई आपके पास मरीज़ आ जाता है तो उसे आपने कैसे चेक करना है, जादू उस पर है या नहीं है, कैसे उसकी आपने तशखीस करनी है, उसका इलाज कैसे करना है आपने, अगर वैसे कोई जिस्मानी मर्ज आई किसी को तो उसका कैसे इलाज करना है, और अगर कोई ख़ास नक्श लिखना है आपने किस टाइम पे लिखना है तो उसकी तासीर में जो है वो बेहतरी आ सके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस कोर्स में सिखाई जाएंगी। अब अगर क्लासेस की बात की जाए तो इसमें हमारा दो तरीक़ेकार हैं, एक तो हमारा जो है बिलमुशाफा क्लासेस चल रही होती हैं और एक हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। अगर तो आप लाहौर या गिरदोनवा में रहते हैं तो आप बिलमुशाफा क्लासेस में दाखिला ले सकते हैं। और जैसे कि पहले बताया कि उलमा हज़रात और जो है जो दरस नज़ामी के तालिबे इल्म हैं उनके लिए खसूसी रहत है। रियायत के हवाले से और फीस वगैरह के हवाले से जो है वो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके तफसील मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा जो लाहौर से दूर हैं काफ़ी ज़्यादा या पाकिस्तान से बाहर हैं वो लोग जो हैं वो हमारे ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। उसमें जो है वो लाइव चैट के ज़रिए और लाइव स्क्रीन के ज़रिए जो है वो उन्हें कोर्स सिखाया जाएगा। इसके अलावा इस कोर्स में जो है जो चिल्ला कशी करवाई जाएगी वो आपने अपने ही जगह पर करनी होगी, लेकिन उसकी सारी तफसीलात वगैरह और सारा रब्ता वगैरह वो दारे से कायम व दायम रहेगा। आखिर में सिर्फ यही बताता जाऊँ, अगर आप कोर्स के लिए दाखिला फॉर्म के हसूल और फीसिस की मालूमात के लिए जो है आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और 25 रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले अपने दाखिला फॉर्म जमा करवाएं। इंशाल्लाह ताला 10 शवाल से क्लासेस का स्टार्ट होगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।